दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की भाग दो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मानव रोग के जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसे कि अगर आपने पहले इसका जो भाग वन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में भाग वन को देख सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी जोन। तो सबसे पहले हम लोग सारे रोगों के बारे में जानेंगे जिनसे प्रभावित अंग और उनसे होने वाले जीवाणु जो होते हैं वो, और उसके बाद मैं एक आपको एक ट्रिक दूंगा जो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले इस सारे रोगों के बारे में जान लीजिए कि किनसे रोग के क्या प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टिटनेस, टिटनेस से जो प्रभावित अंग होता है वो आपका तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ पर टिक लगाया है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है जो मैंने टिक लगाया है। ठीक है, तो जो टिटनेस को प्रभावित करने वाले जो अंग होते हैं वो तंत्रिका तंत्र है, और जीवाणु के इसमें कौन सा होता है तो क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु होते हैं वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि हैजा, तो हैजा से जो प्रभावित अंग होता है वो आपका आंत होता है। ठीक है, आंत है जो हैजा से प्रभावित होता है, और इसमें जो जीवाणु होता है वो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु होता है जो हैजा को प्रभावित करता है। तो तीसरा है टाइफाइड, तो प्रभावित अंग इससे होता है आंत। ठीक है, तो इसका जो जीवाणु होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। तो ये आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो टाइफी से आप याद रखते हैं, टाइफाइड तो टाइफी, अब इसको ज्यादा याद नहीं करना है। और हैजा जो कैलरा, हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉलरा, तो आप इसका इंग्लिश यहाँ पर देख लीजिए, जीवाणु में कॉलरा कॉलरी आ रहा है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखिए तो आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्षय रोग, तो क्षय रोग से जो प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा होता है। ठीक है, और इससे जो जीवाणु होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको पता होगा क्षय रोग जो होता है वो टीबी को ही कहते हैं, तो टीबी का जो फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पर भी लिखा गया है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्षय रोग में जो भी जीवाणु होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इससे प्रभावित अंग होता है आपका फेफड़ा। नेक्स्ट है कि डिपिथीरिया, डिपिथीरिया से जो प्रभावित अंग होता है वो श्वासनली है, और इसका जो जीवाणु होता है वो कोरोनोबैक्टीरियम डिपिथीरी, तो यहाँ से आप नाम से देख सकते हैं डिपिथीरिया, तो डिपिथीरिया आसानी से याद हो सकता है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लेग, तो प्लेग जो है इसको प्रभावित अंग होता है आपका फेफड़ा, प्लेग से प्रभावित अंग फेफड़ा होता है, और इसमें जो जीवाणु होता है पास्चुरेला पेस्टिस, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे अलग लग रहा है, लेकिन आपको ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, आपका केवल ये पूछा जाता है कि फेफड़ा सॉरी प्लेग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये फेफड़ा होता है। तो इसको आप ज्यादा थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने यहाँ पर टिक लगाया है वही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि काली खांसी, तो काली खांसी से जो प्रभावित अंग होता है वो श्वसन तंत्र होता है, और इसका जो जीवाणु होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जो होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जो काली खांसी को प्रभावित करने वाला जीवाणु होता है, और इससे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। और लास्ट है आपका न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया से जो प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा होता है, और इसका जो जीवाणु होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया आपका है, तो ये भी याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो यही पूछा जाता है, मैंने यहाँ पर टिक लगाया। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जो आप सारे जीवाणु वाले जो रोग है आप उनको याद कर सकते हैं कि कौन कौन रोग, क्योंकि हमारे यहाँ कंफ्यूजन होता है कि रोग बहुत सारे हैं प्रोटोजोआ से भी, और यहाँ बैक्टीरिया से भी, और वायरस से भी, तो वायरस के तो हम कल बताएंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वो होगा, और आज हमने बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो बैक्टीरिया से जितने भी रोग होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। वैसे तो रोग बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वही इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने ट्रिक के बारे में कहा था, तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, तो ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं DNT, इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दंत। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है दंत का जो प्लेट है वो टी है। अच्छा, हम लोग मान लीजिए कि अक्षय से कह रहे हैं कि दंत का प्लेट टी है, आप इसके शॉर्ट में याद कर सकते हैं दंत का प्लेट टी है अक्षय, अक्षय कोई लड़का है जिसको हम आप कह रहे हैं कि दंत का जो प्लेट है वो टी है अक्षय। तो चलिए जानते हैं एक शब्द का, तो हमने सबके नीचे डोनेट कर दिया है कि आपको किस वर्ड को याद रखना है। तो सबसे पहला है डी, तो डी से डिपिथीरिया हो गया, और यहाँ पर मैंने प्रभावित जो अंग होता है उसको भी लिख दिया है ताकि हम लोग फिर से रिवाइज भी हो जाए। तो डिपिथीरिया से प्रभावित अंग श्वास नली हो गया, और यहाँ पर एन आ रहा है, तो एन से आपका न्यूमोनिया हो गया, जो न्यूमोनिया वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, और यहाँ पर टी है, तो टी से आपका टाइफाइड, तो टाइफाइड जो आपका आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड में आंधी बुखार जो होता है उस टाइफाइड को कहते हैं। और आपका जो यहाँ पर का, तो का मतलब काली खांसी जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका प्लेट, तो प्लेट का याद रख सकते हैं फ्लेग,
फ्लेग जो हो गया वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, और लास्ट सिक्स नंबर टी, तो टी से टेटनस हो गया, ठीक है। और सेवन नंबर आपका है, तो है से आपका हैजा हो गया जो आंख को प्रभावित करता, और लास्ट में आपका अक्ष है, तो आपको छह याद करना है, तो छह का मतलब हो गया आपका जो फेफड़ा को प्रभावित करता है क्षय रोग, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बताता हूँ कैसे पढ़ना है, दंत का प्लेट टी है, तो टी एन टी आप याद रखेंगे, उसको पढ़ेंगे आप दंत, दंत का जो प्लेट है वो टी है, अक्ष है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो यार बनता है क्योंकि इतनी मेहनत की है, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।